तो मैं दिनेश केवर और चैनल 5 इंडिया पे आपका स्वागत है। मोहन भागवत ने एक बार फिर कल स्टेटमेंट दे दिया। जी हाँ, ये स्टेटमेंट कुछ समय से वो दे रहे थे और ये एक पूरा प्लान के अंतर्गत हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ हिंदू हैं। जी हाँ, सभी के सभी हिंदू हैं। वो कहते हैं उपासना पद्धति कुछ भी हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो, भाषा आपकी कोई भी हो, कल्चर आपकी कोई भी हो, धर्म आपका कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, या पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, आप हिंदू हो। और ये बात पहली बार नहीं कही है उन्होंने, कई बार कही है। कई लोगों ने इसका विरोध किया है, विरोधी पक्ष वालों ने विरोध किया है। सिख धर्म के अंदर भी बहुत कुलबुलाहट है और उनके उसके लिए अलग एपिसोड भी करूंगा मैं। उसके अंदर कहा जा रहा है कि बार बार आरएसएस के द्वारा कहा जाता है कि जो सिख धर्म है वो हिंदू धर्म का एक पंथ है और उन्होंने अपोज किया। अकाल तख्त ने सिखों की जो एक संगत होती है उन्होंने भी कहा है कि सिख धर्म अलग धर्म है, सिख धर्म हिंदू धर्म का पंथ नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस समाज के अंदर एक विरोधाभास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया जा रहा है जो पहले नहीं थी। आरएसएस की जो प्रवृत्तियां वही इस टाइम आगे जाके भाजपा की प्रवृत्तियां बन रही हैं। बार बार ये कहना कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र हैं, ये एक तरह से शायद आने वाले वक्त का आईना है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, अगर भारत को लोकसभा राज्यसभा में उनके पास मेजोरिटी है अभी, कि वो हिंदू राष्ट्र संविधान के अंदर संशोधन करके लाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं और वहाँ पे भी सारे के सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं सुरक्षित हैं, तो हिंदू राष्ट्र में क्यों सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। ये एक तरह का प्लान है, एक तरह से हिंदू का बाकी जितने धर्म हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उनकी इंसर्ट करने की कोशिश हो रही है। ये भारत की जो सोच है, भारत का जो आइडिया है, ये उसके खिलाफ है। केसी त्यागी और बहुत सारे और जो लीडर्स हैं विरोध पक्ष के, ऑलरेडी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि ये जो ट्रेंड निकल के आ रहा है आरएसएस से, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ये देश को तोड़ने वाला ट्रेंड है। इन प्रवृत्तियों से हमें बच के रहने की जरूरत है। आज आरएसएस जिस लाइन पे चल रहा है, क्योंकि आरएसएस की लाइन ही बीजेपी की लाइन है, जो आरएसएस कहता है वही तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कर रही है, हमें इससे बचने की जरूरत है। और इसके पीछे जो प्लान है इनका, जो योजना है इनकी, उससे संभल कर रहने की जरूरत है। अगर भारत में सारे धर्मों का संगम नहीं है, सारी कल्चर्स का संगम नहीं है, सारी जातियों का, भाषाओं का संगम नहीं है, तो फिर ये भारत नहीं है। भारत कोई मोनोलिथिक कंट्री नहीं है, एक धर्म का कंट्री नहीं है। इसलिए हम मोहन भागवत के इस बयान की एक तरह से विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।